गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हैंड ग्रुप्स द्वारा पुराना बस स्टैंड राजीव प्लाजा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बता दें कि इस ग्रुप द्वारा साल में दो बार ब्लड कैंप और नेत्रदान का शिविर लगाया जाता है, जिसमें सभी लोग दान करने के लिए यहां पहुंचते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को सहायता पहुंचाया जाए, जिसे बीमारियों में ब्लड नहीं मिल पाता उनको ब्लड मिल पाए, और जो लोग नेत्र की वजह से परेशान हो रहे, जिनको देखने में समस्या हो रही है, उनको नेत्र मिल सके। इस द्वारा हैंड्स ग्रुप द्वारा यह शिविर आयोजन किया जाता है और लोगों की मदद की जाती है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। नमस्कार, रोशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ इत्तेशाम देशमुख। सबसे पहले तो आपको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम पुराना बस स्टैंड के राजीव प्लाजा में है, जहां पे ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। मैं आपको बोर्ड दिखा देती हूँ पहले कि यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और ब्लड दे रहे हैं। वहीं पे हम आके यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप कब से चलाया जा रहा है और कहाँ कहाँ पे चलाया जाता है। तो पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगी, जानकारी लेना चाहूंगी। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक विधानी, फाउंडर और संरक्षक हैंड्स ग्रुप का। आज ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग रक्तदान शिविर किए हैं। हमारी संस्था 2013 से रक्तदान शिविर और नेत्रदान शिविर लगाती है, और हम साल में दो बार मिनिमम ब्लड डोनेशन करते हैं, जैसे ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। उसके बाद अगर कोई ऐसा ओकेशन आता है तो हम आगे भी करते हैं। साथ ही हमारे एक मोबाइल ऐप भी बना हुआ है हैंड्स ग्रुप के नाम से, तो वो एंड्रॉइड पे उपलब्ध है अभी, और उसमें कम से कम अभी 4000 लोग रजिस्टर्ड हैं हर एक ब्लड ग्रुप के। क्या होता है कि जो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और वो तो हमने ना इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना सरल कर दिया इस चीज को कि कोई हमसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरतमंद है डायरेक्ट रक्तदाता से संपर्क करके रक्त ले सकते हैं। और साथ ही हमने नेत्रदान के क्षेत्र में भी, हमारी संस्था बहुत ही अग्रसर है काम करने में। अब तक हमारे थ्रू कम से कम 450 से ज्यादा लोगों ने नेत्रदान किया है, जिसके लिए कई लोगों को हमने ऐसे लोगों को भी मंच पे लाया जो पहले नहीं देख सकते थे, बट नेत्र मिलने के बाद उनका जीवन फिर से रोशन हो चुका है। आप ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं? हम 2013 से ये कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं। आप हर साल इसका आयोजन करते हैं, कहाँ कहाँ आयोजन करते हैं? हम हर साल इसका आयोजन करते हैं, जैसे शुरू में तो 4-5 जगह इसका आयोजन होता था, जैसे राजीव प्लाजा शुरू से रहा है, हमारे मॉल दोनों मॉल शुरू से रहे हैं, फिर कभी किसी होटल या किसी भवन या रेलवे स्टेशन में भी कर चुके हमने। तो अभी जैसे जैसे हम जगह उपलब्ध होती है, टीम अवेलेबल रहती है, तो उस हिसाब से हम वहाँ वहाँ हम कार्यक्रम करते हैं। आप जैसे बता रहे कि आपका ये ब्लड डोनेशन और नेत्रदान करने का जो एक ग्रुप है, कम से कम इस ग्रुप में कितने लोग? हमारे ग्रुप में 40 लोग हैं, और अब तक हजारों यूनिट हमारे ग्रुप के द्वारा कलेक्ट की गई है, और ये हर साल में दो बार तो मिनिमम होता है हमारा, मैक्सिमम और भी जगह अगर जरूरत होती तो कोई मिलके भी हमारे साथ कई संस्था या ब्लड कैंप करती हैं। और इसके अलावा अगर किसी को जरूरतमंद हो, साल भर कोई जरूरतमंद हो हमको फोन करता है, तो हम उसको भी ब्लड मुहैया कराते हैं। जैसे आप ये सुविधा आप सब लोग को उपलब्ध करा रहे थे, इसका आपका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि देखिए अभी तो रक्त दान ग्रुप बहुत सारे खुल गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अभी तो रक्तदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं। पर एक ऐसा समय भी था कि रक्तदाता जागरूक नहीं होते थे, और कई लोग रक्त की कमी के कारण अपनी जान गंवाते थे। तो हमारा ये उद्देश्य शुरू से रहा है कि कम से कम इस रक्त की कमी के कारण किसी की जान न जाए। और आपको जैसे कि पता है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे रहते हैं, जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, तो कम से कम हमारे अगर बिलासपुर क्षेत्र की बात करें तो 2 से 3 हजार बच्चे प्रति महीने ऐसे हैं जिनको, बिलासपुर या आजू बाजू की बात करें तो बिलासपुर ब्लड बैंकों से 2-3 हजार यूनिट ब्लड उनका हर महीने जाता है, जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता। तो अगर हम सब मिलजुल के रक्तदान करते रहें या शिविर कराते रहें, तो कम से कम उन बच्चों का भला हो सके जो हर महीने जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। जो आपका ये ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम क्या है? हैंड्स ग्रुप। आगे अगर आप इस कार्यक्रम को और बढ़ाना चाहेंगे तो इसलिए, और आपने क्या योजना बनाई है? बस हम ये निरंतर करते ही रहते हैं, और हम सभी संस्थाओं को और सभी समाज को और सभी लोगों को हम आग्रह करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और इस नेक काम हवन में अपनी आहुति दीजिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू।
जैसा कि इन्होंने बताया कि इस ग्रुप का सबसे पहला मोटिव ये है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं, जिससे कि जिन लोगों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है वो इनसे कांटेक्ट करके ब्लड अवेलेबल करवा सकते हैं हॉस्पिटल की, वो लोग भी जिस हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल नहीं होते इनसे कांटेक्ट करके ब्लड ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जो अंदर में ब्लड दे रहे हैं उनसे और कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे दो लोग अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए हम मैम से बात करते हैं और यहाँ की कुछ जानकारी लेते हैं कि अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। नमस्ते, मैं ब्लड जिला अस्पताल ब्लड बैंक काउंसलर बोल रही हूँ और अभी यहाँ पे 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 8 लोगों ने ब्लड दे दिया है और ये इसका कैंप 5 बजे तक रहेगा, शाम को 11 बजे से चालू हुआ है। और ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करने से अच्छा रहता है जो लोगों के अंदर भरी हुई अभी निगेटिविटी की, नहीं देना चाहिए। ब्लड देने से वीकनेस आती है ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ब्लड देने से नया ब्लड बनता है, एनर्जी आती है और ब्लड देना चाहिए क्योंकि ये ब्लड कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यूज होता है और हम लोग का तो मोटिव यही है कि जिस जो जरूरतमंद है उनको ब्लड दिया जाए, है ना। सरकारी मैम से बात करके ये पता चला कि हमें ब्लड देना चाहिए और लोग जो अपने दिमाग में मिथ्य पाल के रखे हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से आपका स्किन क्लियर होगा, आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात जिन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है उन लोगों को ब्लड मिल पाए।